हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रैक्टिस सेशंस ऑन ज्योमेट्री क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस टू वीडियोस देखे होंगे और काफी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके थोड़ा कॉन्सेप्ट गेन किया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ सर्कल पासेस थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक सर्कल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास होता है एंड इट इज टेंजेंट ऑन द अपोजिट साइड एट मिड पॉइंट। और वही सर्कल अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट पे टेंजेंट भी है। फाइंड द रेशियो इन विच द सर्कल इंटरसेक्ट द अदर साइड। तो सर्कल जो दूसरी साइड है अपार्ट फ्रॉम द टेंजेंट वाला साइड, उसको किस रेशियो में कट करता है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, पहला चैलेंज तो ये होता है कि आप ये डायग्राम बना पाते हैं क्या। तो कुछ लोग इसको डायग्राम भी सेट नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सोच के बनाइएगा कि डायग्राम क्या बन सकता है। डायग्राम शुड बी लाइक दिस। A circle is passing through the vertex of an equilateral triangle. So let me give the name as A, and the other two sides are sorry, other two vertex are B and C. So एक triangle था ABC जिसकी vertex A से circle pass करता है और opposite side पे tangent है और वो mid point भी है। तो let me give you the name as M. तो जो AC side है या जो AB side है उसे circle किस ratio में cut कर रहा है। तो let's say अगर ये point P दे देते हैं, तो actually आपको find क्या करना है, आपको AP is to PC फाइंड करना है, राइट? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये दिखता नहीं है एग्जाम में, या कोई क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो दिखता नहीं कि क्वेश्चन करना कैसे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसा बोल सकते हैं C से लेके M या CM? CM इज अ टेंजेंट, CM एक टेंजेंट है और CA इज अ सीकेंट, वो एक सीकेंट है। तो हमने रूल पढ़ा था कि एक सर्कल अगर दिया हुआ है, सर्कल के बाहर के पॉइंट से अगर आपको एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इनटू PB। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, राइट? तो ये सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, ये सीकेंट है और अगर ये टेंजेंट है, तो व्हाट रूल वी हैव स्टडीड दैट PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इनटू PB, बस उसी का एप्लीकेशन है। तो C से लेके M एक टेंजेंट है और CA इज अ सीकेंट, तो आई कैन राइट CM स्क्वायर इज इक्वल टू CP इनटू CA। अब क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, दैट्स व्हाई ऑल साइड हैज टू बी इक्वल, सभी साइड इक्वल होगी। तो लेट मी कॉल इट एज अ साइड इज 2x, तो ये वाला पार्ट x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। एंड कंप्लीट A से लेके अगर C की बात करता हूं, सो दिस पार्ट इज अगेन 2x। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, व्हाट इज CM? CM इज x, सो x स्क्वायर। व्हाट इज CP? हमें फाइंड करना है, तो CP वी डोंट नो। एंड व्हाट इज CA? CA इज 2x। सो कैन आई स्टेट अवे से CP का वैल्यू आ जाएगा x बाय टू, इफ यू सिंप्लीफाई केयरफुली। तो x से x कट हो गया, तो x का CP का वैल्यू आ गया x बाय टू। नाउ अगर AP की लेंथ फाइंड करनी है, तो AP हो जाएगा 2x माइनस x बाय टू, दिस गिव यू 3x बाय टू। तो व्हाट इज द रेशियो AP और PC का? रेशियो क्या आएगा? AP आपका आ रहा है 3x बाय टू और PC या CP आपका आ रहा है x बाय टू। आंसर इज व्हाट? आंसर इज 3:1। सर्कल विल इंटरसेक्ट द अदर साइड इन द रेशियो 3:1। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे क्या ट्राई करते हैं, कुछ लोग ये ट्राई नहीं करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे डायमीटर बनाते हैं और इसे ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते हैं। ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको हाइट मिल सकती है, क्योंकि ये ट्रायंगल स्पेशल होगा। ये एंगल जो होगा 30 होगा, एक 90 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। तो डायरेक्टली ये भी लगा सकते थे। अगर आपको हाइट मालूम पड़ जाए, लेट द हाइट इज एच, तो आपको पता है परपेंडिकुलर के सामने 90 के सामने वाला जितना भी होता है, हाइपोट 30 के सामने वाला उसका हमेशा हाफ होता है और ये हमेशा उसका √3 टाइम्स होता है। सो √3 टाइम्स ऑफ एच बाई टू। किसका √3 टाइम्स होता है? 30 के अपोजिट वाले का। स्पेशल ट्राइंगल पढ़ाया था, याद कीजिए। एंड अगेन यहाँ पे ये 90 होगा, ये 60 होगा, तो कैन बी अगेन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। यस, 60 के अपोजिट वाला पता है, 30 के अपोजिट वाला निकालना है, दैट विल बी डिवाइड बाय √3, है ना? बिकॉज 30 के अपोजिट पता होता है, 60 वाला निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय √3। और अगर आपको 60 के अपोजिट वाला पता है, तो इस ट्रायंगल में जो मैं शेड कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में आपको 60 के अपोजिट वाला नोन है, वो एच बाय टू है, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा √3 से, तो आ जाएगा रेशियो, वैल्यू आ जाएगी। बस अब देखिए ध्यान से, अगर इसको ए बोल देते हैं, इसको पी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, तो AP इज टू PC क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा √3 h बाय टू इज टू h बाय टू इंटू 1 बाय √3,
एच बाय टू से एच बाय टू कट हो गया, आंसर कितना आ गया 3:1, राइट। दो तरीके करने के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी पता होगा। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी क्यू एस आर आर पॉइंट्स ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, सच दैट पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड पी एस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल पी क्यू एस आर, ओके सॉरी नॉट इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, सच दैट कि पी क्यू आर तो ट्राइंगल बना रहा है इक्विलेटरल, ठीक है, ये तो बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, और पी क्यू एस आर इज द ऑर्डर। तो ये पी है, ये क्यू है, फिर एक एस है और एक आर है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि पी एस जो है वो डायमीटर है, ठीक है, तो ये डायमीटर बन गया। क्वेश्चन बोला है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एस आर क्या आएगा, तो पी क्यू एस आर का हमें निकालना है पेरीमीटर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए और फिर सोल्यूशन करिए। देखिए सोल्यूशन निकालता हूं मैं। अब आपको पता है कि ये जो पी एस होगा ये डायमीटर, दैट्स व्हाई इसका लेंथ तो 2R ही होगा और यहां पे एक सेंटर होगा, ठीक है, ये 2R है। ऊपर से ये पता है कि ये एंगल 90 होगा क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है। तो स्टेट ऑफ ये बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा, तो ये दोनों, ये तीनों पार्ट अगर इक्वल हैं तो कंफर्म हो गया कि ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये एंगल 30 होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। नाउ आई एम हाइलाइटिंग दी ट्राइंगल जो मेरे इंपॉर्टेंट रेंज का है, ध्यान से देखिए मेरे काम का है, ये ट्राइंगल जो है ये मेरे बड़े काम का है, इससे मुझे बहुत ईजिली साइड मिल जाएंगी। यूजिंग व्हाट प्रॉपर्टी, यूजिंग स्पेशल ट्राइंगल 30 60 90, बहुत काम का ट्राइंगल होता है 30 60 90, 45 45 90 एंड 120 30 30। फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ज्योमेट्री की थ्योरी में भी डिस्कस किया था। तो आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर निकालना बहुत आसान है इसमें। अगर 90 डिग्री के अपोजिट वाला पता है 2R, 30 के अपोजिट वाला हमेशा उसका हाफ होता है, तो दिस विल बी R। एंड इफ यू नो ये जो येलो वाला ट्राइंगल है इसमें 30 के अपोजिट वाला अगर R है तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी 60। तो 60 के अपोजिट वाला जो होगा वो इसका रूट 3 टाइम्स होगा, मतलब R रूट 3 होगा। सो सिमिलरली जो पी आर होगा वो भी R रूट 3 होगा और आर एस होगा वो भी R होगा। इफ यू एड ऑल ऑफ देम तो पेरीमीटर मिल जाएगा आराम से। तो नीचे वाले देखा जाए तो क्यू एस और एस आर, तो आर प्लस आर 2R हो गया। ऊपर पी क्यू आ रहा है आर रूट 3, पी आर भी आ रहा है आर रूट 3, आर रूट 3 और आर रूट 3 कितना हो जाएगा 2R√3। व्हाट वी कैन टेक कॉमन, 2 कॉमन, R कॉमन, 1+√3 और √3+1, एनी ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल ट्रायंगल 30 60 90। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज, इन द फिगर बिलो द रेक्टेंगल एट द कॉर्नर मेजर 10 by 20 cm, ठीक है, यहां पे रेक्टेंगल शेप का है, लेकिन स्क्वायर दिख रहा है ये। द कॉर्नर ए ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस में पॉइंट दिया हुआ है ये। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस निकालना है। क्या दिया हुआ है, बस डायमेंशन दी हुई है इस स्क्वायर की, ये स्क्वायर की डायमेंशन दी हुई है कि द स्क्वायर जो है वो 10 × 20 का है, लेंथ इज 20, ब्रेथ इज 10, कोने में रखा हुआ है। तो बोला बताइए कि रेडियस क्या होगी। तो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, अप्रोच पता होना चाहिए बस। अगर सेंटर ज्वाइन से ज्वाइन करते हैं इसको, 90 बनेगा ऊपर और ये एक स्क्वायर कंप्लीट करेगा, राइट, इट्स विल बी स्क्वायर बिकॉज ऑल एंगल आर 90 एंड द एडजेसेंट आर इक्वल, दैट्स व्हाट हैज टू बी स्क्वायर। अब अगर ये R है और ये R है तो कैन आई राइट, अगर मैं O से लेके A ज्वाइन करता हूं तो ये भी तो R है, ये भी तो रेडियस ऑफ सर्कल ही हुआ, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ऑल दीज आर रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। अब केयरफुली ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं इसमें नाम दे देता हूं P और ये Q, अगर मान लेते हैं PA, अगर PA की लेंथ मान लेते हैं 10 है, तो यहां से देखा जाए अगर मैं इस एक नाम दे देता हूं लेट्स से M, तो O से लेके M क्या हो जाएगा, R-10, ये समझिए ध्यान से, R-10 क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं हाईलाइट करता हूं
ये आर है येलो वाला, और ये जो मैंने येलो से शेड किया हाईलाइट किया ये भी आर है। तो अगर पीए का विथ, मतलब अगर मान लेते हैं रेक्टेंगल ऐसा कुछ था, ये अगर 10 था, तो अगर ये 10 गया और ये पूरा आपका आर था, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा? दिस हैज टू बी आर माइनस 10, राइट? एंड सिमिलरली अगर क्यू ए 20 है, बिकॉज आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ये 20 है, तो अगर आप यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, सो अगर यहां पे मैं एन बोलता हूं, एन, सो दिस विल बी आर माइनस 20, बिकॉज ये 20 हो चुका है। अगर ए क्यू 20 है, तो ये जो मैंने शेड किया ये रेक्टेंगल बन रहा होगा, तो वो भी नीचे वाला पार्ट भी 20 होगा, और पी ए को अगर लेके मैं शेड करता हूँ तो ये भी 20 होगा। तो आपको इतना कंफर्म हो गया कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है जो मैंने अभी शेड किया येलो से, ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ओ ए जो है वो रेडियस है, ओ एम जो है वो आर माइनस 10 है, और ओ एन जो है वो ए एम के बराबर है, जो कि आर माइनस 20 है। दैट मीन इट्स सिंपली अ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से बताता हूँ मैं आपको। ओ से लेके ए जो होगा वो आर होगा, यहाँ पे पूरा अगर ऊपर तक ज्वाइन करते हैं तो आर होता, तो ये आर माइनस 10 होगा, क्योंकि ये भी आर है जो मैंने अभी लाइन की ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेट मी गिव यू द नेम, और लेट्स से ओ ए, ये अगर आपका आर है तो ऊपर वाला पार्ट कितना होगा? आर माइनस 20 होगा, ठीक है। तो आपको पता है जो ट्रायंगल शेड किया इसमें लग रही पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस 20 का होल स्क्वायर। कैन यू सॉल्व इट? यस, आराम से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक नहीं भी सॉल्व करनी है आपको तो एक काम कीजिए, ऑप्शन डाल दीजिए, बट आई एम सॉल्विंग दी क्वाड्रेटिक। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40 आर। सो एक आर स्क्वायर तो कट हो गया, तो आपको लेफ्ट मिल क्या रहा है? आपको मिल रहा है आर स्क्वायर माइनस 60 आर प्लस 500 इज इक्वल टू 0। ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 500 आएगा और प्लस करने पे 60 आएगा? 50 एंड 10, तो आर का वैल्यू एक आ जाएगा 10 और आर आ जाएगा 50। 10 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर सर्कल का रेडियस 10 था तो वो रेक्टेंगल कैसे वहां पे फॉर्म हो गया, जिसका डायमेंशन 10/20 है। तो आंसर हैज टू बी व्हाट? आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर सी, 50, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अ सर्कल विथ रेडियस 2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ राइट एंगल, ठीक है। अ सर्कल इज विथ रेडियस 2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ राइट एंगल। ये टेंजेंट नहीं बन रहा है, वेट अ मिनट, नाउ डायग्राम इज ओके। इट सेज अ सर्कल विथ रेडियस 2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ राइट एंगल, अनदर स्मॉलर सर्कल इज ऑल्सो प्लेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। हार्डकोर ज्योमेट्री लगानी इसमें आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप कितना इमेजिन कर पाते हो वो है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, दोनों आर हैं, एंगल 90 बन रहे हैं, ठीक है, तो स्क्वायर ही बनता होगा, वो तो कंफर्म है, राइट? तो अब मुझे इतना बताइए, इतना अगर आपको क्लियर है तो देखिए ध्यान से। नाम देता हूँ ओ ए बी, लेट मी कॉल इट पी, और यहां पे अगर देखा जाए छोटे सर्कल के साइड में, तो इफ दिस इज आर दिस इज आर, तो कंप्लीट डायगोनल जो होनी चाहिए, कि डायगोनल होनी चाहिए आर रूट टू। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं ओ से लेके पी, तो ओ से लेके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये तो टू होगा फिर से, बिकॉज ये बड़े वाले का रेडियस होगा। फिर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से छोटे वाले के सेंटर तक देखा जाए तो ये आर होगा, और छोटे वाले के सेंटर से पी तक देखा जाए तो वो आर रूट टू होगा, इस कॉन्सेप्ट से, है ना? ये इस इधर आ जाइए, देखिए मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, ठीक है, तो ये वाला रेडियस आर होगा, ये वाला आर का रूट टू टाइम्स होगा, मतलब टोटल यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे दो सर्कल टच कर रहे हैं, यहां से अगर मैं पॉइंट पी तक की लेंथ निकालता हूं तो वो क्या होगा? आर प्लस आर रूट टू। बस ये तो करना है आपको। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ओपी की बात करता हूं तो ओपी कैसे निकालेंगे? ओपी निकालेंगे लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज सी, तो ओपी आएगा ओसी प्लस सी से लेके तो दूसरे सर्कल का सेंटर ओ डैश मान लेते हैं, तो सी ओ डैश प्लस ओ डैश से लेके पी। नाउ व्हाट इज ओ सी? ओ सी हमारा टू है,
व्हाट इज सीओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे दो सर्कल टच कर रहे हैं वहां से दूसरे छोटे वाले का रेट सेंटर तक सीओ डैश, वो आर होगा और उसके बाद आर रूट टू होगा, राइट। और ये सारी की सारी जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है इसकी डायगोनल के बराबर होगी। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे रूट टू टाइम्स, यानी कि टू रूट टू। तो बस सॉल्व हो गया, दिस हैज टू बी इक्वल टू, ये पूरी लेंथ जो मैंने निकाली है इन सबका जो समीशन किया मैंने, यानी जो ओपी निकाला है, ओपी का लेंथ कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए टू रूट टू। सो दिस इज माई आंसर। अगर मुझे स्मॉल आर निकालना है, कैन इजिली कैलकुलेट, तो यहां से मैंने आर कॉमन निकाला, आई विल गेट रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू टू रूट टू माइनस वन, सॉरी टू रूट टू माइनस टू। सो आर का वैल्यू आ जाएगा, टू कॉमन निकाल लेते हैं, रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन, विच वी कैन रैशनलाइज, और जिस ऑर्डर में चाहिए होगा, जिस ऑर्डर मतलब जिस तरीके से चाहिए होगा, जिस फॉर्म में निकाल लेंगे। बट आइडिया ये कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ओ से लेके जो पी होगा वो टू रूट टू होगा, और सिमिलरली ओ डैश से लेके जो पी होगा, ओ डैश से पी वो आर रूट टू होगा। बस इसको तो एड ही करना डायरेक्टली फिर, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 2 मीटर हैज इट्स कॉर्नर कट अवे सो एज टू फॉर्म एन ऑक्टागन विद ऑल साइड्स इक्वल, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ऑक्टागन इन मीटर इज। सो एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर है, इसके आपने चार कॉर्नर कट कर दिए ताकि एक ऑक्टागन बनना शुरू हो जाए, तो ऑक्टागन की साइड क्या होगी, अगेन इट्स बेस्ड ऑन बेसिक ट्राइंगल, दिस कंप्लीट इज 2, राइट। ये कंफर्म हो गया, ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये एक स्पेशल ट्राइंगल होगा जिसमें एक एंगल 90 होगा और बाकी दोनों 45-45 होंगे। तो 45-45-90 ट्राइंगल का रूल पता है हमको कि क्या होता है, राइट, रेशियो होता है 1:1:√2, दीज टू साइड्स विल बी इक्वल एंड द हाइपोटेन्यूज इज √2 टाइम्स। नाउ अगर आप केयरफुली इसको देखें तो अगर ऑक्टागन की लेंथ अगर एक्स मान लेते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी का जो लेंथ होगा वो पी क्यू का 1/√2 टाइम्स होगा, तो इट हैज टू बी एक्स डिवाइड बाय रूट टू, बिकॉज अगर एपी और एक्यू इक्वल है, क्योंकि 45-45-90 है, तो हाइपोटेन्यूज रूट टू टाइम्स होगा, बट हाइपोटेन्यूज अगर एक्स है तो एपी एक्स बाय रूट टू होगा। सिमिलरली राइट साइड में अगर आ जाते हैं और यहां पे मैं अगर पी क्यू नाम दे देता हूं तो पी क्यू का लेंथ भी क्या होगा, वो भी एक्स बाय रूट टू होगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉरी नॉट पी क्यू, पी ऑलरेडी यूज कर लिया मैंने, लेट मी गिव अ नेम एस एलएन और एमएन। अगर ये m और n है तो mn का लेंथ भी कितना होगा, mn का लेंथ भी x बाय रूट टू होगा। सो अगर a n कंप्लीट स्क्वायर की साइड कंसीडर की जाए तो उसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो ap आ रहा है, एक pm आ रहा है और एक p सॉरी pm और एक आ रहा है m से लेके तो n, ये कितना आना चाहिए समीशन, इट हैज टू बी 2, बस हो गया सॉल्व। सो ap इज x बाय रूट टू, pm इज x, mn is again x by root 2 is equal to 2, if you multiply by root 2 तो आपको मिल जाता है x plus x root 2 plus x is equal to 2 root 2, if I take x common यहां आ जाएगा 2 plus root 2 is equals to 2 root 2 and I got x equals to 2 root 2 upon 2 plus root 2, so divide by root 2 what you get, यहां से देखिएगा तो रूट टू से डिवाइड किया तो ऊपर टू बचेगा और नीचे डिनोमिनेटर की दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे, टू को डिवाइड किया रूट टू से तो रूट टू आ जाएगा और रूट टू को डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, तो आंसर हैज टू बी 2/√2+1 व्हिच गिव यू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आंसर ये भी हो सकता है, वो किस फॉर्म में दिया हुआ है वो मैटर करता है, यहाँ पे आपके ऑप्शन थे, हमें √2+1 के फॉर्म में आंसर चाहिए था डिनोमिनेटर में, उस फॉर्म में लेकर आ गए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल circumscribe all the 6 circles each with radius 1 cm. What is the perimeter of an equilateral of the equilateral triangle? Equilateral ka perimeter kya hoga? Ye aapse pucha gaya hai. Bahut badhiya question hai. Kaise karenge? Dhyan se dekhiye. Sabka radius 1 hai.
आपको पेरीमीटर निकालना है, एक अगर आपने कोई भी एक साइड निकाल दिया या तो ए बी या बी सी या सी है, उसका तीन गुना ही करना है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। जो नीचे वाले तीन सर्कल है उनके सेंटर्स को अगर मैं मार्क करता हूं, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर आपका सेंटर है, तो वन सॉरी रेडियस है, 1 + 1 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4, सो दिस कंप्लीट इज 4, राइट। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं, लेट्स से ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, दिस कंप्लीट लेंथ, दिस कंप्लीट लेंथ विल बी हाउ मच, दिस विल बी 4। नाउ इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो आपको ये तो मालूम पड़ गया कि अगर मैं को नाम दे देता हूं पी क्यू, सो इसका मतलब ये होगा कि पी क्यू का जो लेंथ है वो 4 आ चुका है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अच्छा इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यार रखने अपने कोई 4 आया था। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बी से इसके सेंटर को ज्वाइन करता हूँ और यहां से अगर ये टेंजेंट पे 90 बनाता हूँ जहां पे सर्कल टच कर रहा है, तो ऑफ कोर्स रेडियस 90 बनाएगी, तो एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसका नाम बी है, इसको अपन लेट से पी बोल देते हैं, और ये यहाँ पे 90 बन रहा है, इसको हम क्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पी क्यू का जो लेंथ है यानी कि जो रेडियस है, ये वाला पार्ट ये 1 है ना, अगर ये 1 है तो आपको ये देखना है बस कि एक्चुअली है क्या। देखिए अगर ये 1 है, और क्योंकि यहां पे जो ट्राइंगल बनेगा ये 30 60 90 बनेगा, ये 90 है ये 1 है, आपको पता है कि अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो सेंटर को ज्वाइन करती है लाइन ये बाइसेक्ट करती है, तो एक्स वाई कितना एंगल हो जाएगा, 30 सर्कल की प्रॉपर्टी से, और ये हो जाएगा 60। तो अगर 30 के अपोजिट वाला पता है 1, तो 60 के अपोजिट वाला √3 टाइम्स होता है, यानी दिस विल बी √3, तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये वाला पार्ट आपका √3 आ रहा है। फिर यहां से लेके यहां तक जो हमने निकाला था ये 4 आया था, और फिर उसके आगे भी कितना आ जाएगा, उसके आगे भी √3 आ जाएगा, इसका मतलब आई कैन राइट माय आंसर इज टू बी 4 + √3 + √3 दैट इज 2√3, ये एक साइड आई, ऐसी कितनी साइड्स हैं, ऐसी 3 साइड हैं, तो आंसर इज टू बी व्हाट, आंसर इज टू बी 12 + 6√3। अब कोई भी ऑप्शन नहीं है तो कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 6 कॉमन निकाल सकते हैं, 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + √3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट इज C1 एंड C2 आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स विद सेम रेडियस 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन स्क्वायर सेंटीमीटर, तो शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा। तो एक सर्कल है और वो सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करता है, ठीक है, ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन हमको, और फिर बोला हुआ है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा ये बताइए, राइट। इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है, वो ये दिया हुआ है कि रेडियस जो है, जो गिवन रेडियस इंफॉर्मेशन है, वो रेडियस हमको 8 दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। सो लेट्स सी हाउ विल यू सॉल्व इट, देखते हैं एग्जैक्टली क्या दिया है। तो आपको रेडियस दिया हुआ है 8, दैट मीन्स C1 से C2 जो होगा वो भी 8 ही होगा, बिकॉज C1 सेंटर पे, अगर C1 सर्कल की बात करते हैं तो ये जो C2 है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करता है, ये 8 होगा, ये जो लेंथ ड्रॉ किया मैंने ये भी 8 होगा, मतलब यहाँ पे जो सारी की सारी लेंथ बन रही है 8 8 8 और 8, ऐसा कुछ बनेगा। सो ऑल दीज आर इक्वल एट अ ट्रायंगल, और इसका साइड कितना है, 8 है। अब केयरफुली देखिए आप ये निकालेंगे कैसे, तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से ए, इसको दे देते हैं C2, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपका बी है, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं C1 सेंटर मान के, C1 सेंटर मान के ये आर्क है, ठीक है, ये जो सेक्टर है इसका भी एरिया निकालता हूं, तो जो एरिया आएगा सेक्टर C1 ए C2 बी का, क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ऊपर एंगल 60 बनेगा, नीचे एंगल 60 बनेगा, तो पूरा कितना एंगल होगा, पूरा एंगल जो होगा वो, लेट मी ड्रॉ डिफरेंट फिगर, वेट अ मिनट, इसमें थोड़ा सा अपन कंफ्यूजन कर रहे हैं। ओके सपोज मान लेते हैं सर्कल दिया हुआ है, एक ऐसा है और एक सर्कल जो वैसे पास करता है,
सर्कल थोड़े अच्छे बने नहीं है, प्लीज बेयर विद मी, लेट मी ट्राई अगेन। कुछ ऐसा है, और एक कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, हमें जो निकालना है एरिया, वो निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर मैं ये सेंटर्स मान लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी, इसको देता हूँ सी वन, इसको देता हूँ सी टू, तो सी वन से सी टू जो है वो एट है, सी वन से ए जो है वो भी एट है, ए से सी टू भी एट है, सी वन से बी भी एट है, और सी टू से एट भी एट है। दैट्स वाई ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, तो पूरा कितना हो गया, 120 हो गया। अब अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूँ और सेक्टर में यूज करता हूँ सी वन ए सी टू बी, ठीक है, इस वापस सी वन, दैट मीन्स अगर ये एरिया निकाला जाए तो आ जाएगा पाई इंटू एट का स्क्वायर इंटू 120 डिग्री डिवाइड बाई 360, दैट मीन्स इसकी भी 64 पाई बाई 3। ये कौन सा एरिया आ गया, ये सेक्टर का एरिया आ गया। इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा इसका नाम लिखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया, सेकेंड पार्ट आ गया, जो थर्ड पार्ट यहाँ बन रहा है ये भी आ गया, और फोर्थ पार्ट जो है ये भी आ गया, ठीक है। यानी ये चार पार्ट का एरिया 64 पाई बाय 3 हो गया। अब अगर मैं सी टू को सेंटर मानता हूँ और सी टू को सेंटर मान के अगर मैं वापस से एक आर्क लेता हूँ, सॉरी सेक्टर लेता हूँ, सी टू ए सी वन बी और ये वाला आर्क, ठीक है, लेट मी गिव द नेम, सी टू ए सी वन बी सी टू, ये वाला जो पार्ट हो रहा है इसका अगर मैं निकालता हूँ एरिया, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसका एरिया भी वापस 64 पाई बाय 3 आएगा, डबल कर दिया मैंने। लेकिन इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें ये फिफ्थ पार्ट जो है वो आ गया और ये सिक्स्थ पार्ट जो है ये भी आ गया। तो ये जो शेयर्ड रीजन था इसमें कौन कौन से पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आप ध्यान से देखिए जो आपने डबल किया, तो ये जो सी टू ए जो सेकेंड टाइम मैंने निकाला इसमें क्या क्या आ गया, इसमें पार्ट वन आ गया, इसमें पार्ट टू आ गया, पार्ट फिफ्थ आ गया और पार्ट सिक्स आ गया, छह पार्ट का एरिया आ गया। और सी वन जो मैंने पहले निकाला था, सी वन ए सी टू बी, ठीक है, सी वन को सेंटर मान के जो मैंने एक सेक्टर निकाला था, इसका जो एरिया था उसमें क्या क्या आया था, उसमें पार्ट वन आया था, पार्ट टू आया था, पार्ट थ्री आया था, पार्ट फोर आया था, और इन सबको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 128 पाई बाय 3। लेकिन इसमें पार्ट वन और पार्ट टू दो दो बार आ गए, तो एक काम करो ना, पार्ट वन पार्ट टू का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, वो दो ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, दैट्स व्हाई टू टाइम्स, और एक ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a² और यहाँ आ जाएगा 8² बस। ये आपका आंसर है, तो आपका आंसर आएगा 128 पाई बाय 3 माइनस 64 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 16, 16 का डबल करेंगे तो आएगा 32, 32 √3, तो आंसर क्या आएगा, 128 पाई बाय 3 माइनस 32 √3, तो 128 पाई बाय 3 माइनस 32 √3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने सेक्टर्स के निकाले एरिया, और क्योंकि ट्रायंगल जो था अंदर पार्ट वन और पार्ट टू ये दो दो बार ऐड हो गया था, दैट्स व्हाई मैंने एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर देर आर थ्री सेमी सर्कल्स इन विच बीसी इज 6 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेंटीमीटर है, बी डी इज 6√3 सेंटीमीटर, वॉट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो लेट्स ट्राई कैसे करेंगे, सो बीसी आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बी डी आपको दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं सेंटर होगा, पता नहीं कहाँ है, तो लेट द सेंटर इज ओ और ऑफकोर्स बी के लेफ्ट में होगा। तो मान लेते हैं कि जो ए बी है वो पूरा लेंथ एक्स है और बी सी आपको दिया हुआ है 6, तो ये कंफर्म हो गया कि जो कंप्लीट ए सी का लेंथ हो गया वो हो गया x+6, मतलब डायमीटर की लेंथ आ गई x+6। तो सबसे बड़ा सर्कल जो है उस सबसे बड़ा वाला आउटर वाला, उसका जो रेडियस होगा दैट वुड बी x+6/2, इतना क्लियर, x+6/2 यानी ओए की लेंथ आ गई। फिर अगर हम बात करते हैं कि एक ट्रायंगल अगर बनाया जाए, डी से लेके ओ ज्वाइन करता हूं अगर मैं, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में मुझे बी डी पता है
मुझे डी ओ मालूम पड़ चुका है एक्स प्लस सिक्स बाय टू, अगर मैं ओ बी भी निकाल लू एक्स के टर्म में काम हो जाएगा। यस, अब ओ बी कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, अगर मुझे ओ बी निकालना है तो क्या मैं ओ सी माइनस बी सी कर सकता हूं, और ओ सी तो रेडियस है, रेडियस तो एक्स प्लस सिक्स का हाफ है, और बी सी, बी सी तो सिक्स है, तो इफ यू सॉल्व इट आपको मिलता है एक्स माइनस सिक्स बाय टू। तो आपको एक ट्राइंगल मिल चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी डी जो है वो 6√3 है, ओ बी जो है, ओ बी का लेंथ आ रहा है एक्स माइनस सिक्स बाई टू, और ओ से लेके जो डी है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि एक्स प्लस सिक्स बाई टू। नाउ इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम तो आपको मिल जाता है एक्स प्लस सिक्स बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सिक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 6√3 का होल स्क्वायर, तो आपको मिल जाता है एक्स स्क्वायर। चलो ऐसे सॉल्व नहीं करते, थोड़ा सा काम आसानी करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी ठीक लगे आपको। तो ये आपको मिलेगा एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर, एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बाय फोर प्लस 6√3 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाएगा 36 108, 108 का 4 टाइम्स किया तो आ जाएगा 432। ठीक है, मैंने इसको 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सॉल्व इजी, थोड़ा काम इजी हो गया। ना अब ये मिलेगा एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 432। नाउ अप्लाइंग ए प्लस बी ए माइनस बी, जब ए प्लस बी लगाएंगे तो एक फैक्टर ये बनेगा, और जब ए माइनस बी लगाएंगे तो एक फैक्टर ये बनेगा, इज इक्वल टू आएगा 432। एक्स एक्स कट हो जाएगा, यहाँ पे सिक्स सिक्स कट हो जाएगा, सो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 2x into 12 इज 432। 4 से कट करेंगे तो 3 आएगा, 4 से करेंगे तो 108 आएगा, अभी किया था हमने, 2 से किया तो 1 जा, 2 से किया तो 54, और x की अगर बात करेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, मतलब कि जो टोटल AC का लेंथ की बात करते हैं, रिमूविंग ऑल द पार्ट, जो टोटल AC के लेंथ की बात करते हैं तो आ जाएगा x प्लस 6 मतलब कि 24, 18 प्लस 6 24, पूरा रेडियस 24 आ गया, सॉरी डायमीटर 24 आ गया, तो बड़े सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 18 ही आ जाएगा, हाँ वो आ जाएगा 12। तो अब आपको निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आउटर वन कितना आएगा, वो आ जाएगा पाई इंटू 12 का स्क्वायर, उसका कर देंगे हाफ, ये आ जाएगा 72 पाई। जो लेफ्ट वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, वो ए बी के बराबर है, और ए बी कितना आया एक्स, एक्स कितना आया 18, यानी कितना हो गया रेडियस 9, रेडियस हो गया 9, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 किया तो कितना आ गया 81 पाई बाय 2 आ गया। सबसे राइट वाला जो है बी सी, उसमें तो 6 दिया ही हुआ था, तो उसका कितना एरिया आ जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, बिकॉज सेमी सर्कल्स है, तो आ जाएगा 9 पाई बाय 2। तो हमें बड़े वाले में से अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा, वही निकालना है आपको, 81 पाई बाय 2 और 9 पाई बाय 2, यानी 90 पाई बाय 2, 90 पाई बाय 2 मतलब 45 पाई। तो 72 पाई में से अगर 45 पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट यू गेट, 27 पाई, ऑप्शन नंबर सी, राइट। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज लेट पी क्यू आर एस टी यू बी अ रेगुलर हेक्सागोन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग एनी थ्री ऑल्टरनेट वर्टाइसेस ऑफ अ हेक्सागोन इज के टाइम्स द एरिया ऑफ हेक्सागोन, फाइंड के। तो क्वेश्चन ये है कि एक हेक्सागोन दिया हुआ है, इट्स अ रेगुलर हेक्सागोन, और रेगुलर हेक्सागोन में आपने एक ट्राइंगल बनाया जो कि ऑल्टरनेट साइड्स को जोड़ के बनाया है, तो लेट्स सी, अगर एक साइड ये है तो एक ये है और एक ये है, सो अगर ऑल्टरनेट साइड्स को लेके अगर एक ट्राइंगल बनाया जाए ऐसा कुछ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल का कितना टाइम्स आएगा। अब पहली बात तो ये मुझे बताया कि जो भी डायगोनल्स की लेंथ आएगी, ये लेंथ तो इक्वल है बिकॉज ये ऑल्टरनेट वाली, ये लॉन्गेस्ट वाली तो नहीं है। देखो हेक्सागोन में दो टाइप की डायगोनल्स होती है, एक तो होती है सबसे अपोजिट वाली, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉइंट की बात करता हूँ, ये सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, इसमें डायगोनल कौन सी आ सकती है, एक तो ये आ सकती है या फिर एक ये आ सकती है या फिर एक ये आ सकती है। सबसे लॉन्गेस्ट वाली जो होती है, इसकी लेंथ जो होती है वो ट्वाइस ऑफ दी साइड ऑफ दी हेक्सागन होती है, और छोटी वाली जो होती है वो √3 टाइम्स होती है, √3 टाइम्स ऑफ दी साइड ऑफ दी हेक्सागन, राइट। हेक्सागन की प्रॉपर्टी में
पढ़ाया था मैंने आपको। तो अभी अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया अगर आपको रूल पता है तो जो ये अंदर वाला ट्रायंगल बनेगा वो एक ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल, और बाहर बन रहा है हेक्सागोन जिसकी साइड ए है। हेक्सागोन का एरिया और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं अंदर वाला ट्रायंगल का एरिया जो कि इक्विलेटरल है, तो आ जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमारी ए √3 है। एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालना है तो वो आता है 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, है ना, ऐसे निकालते हैं ना। क्योंकि अगर आपको ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है तो 6 टाइम्स जब करते हैं हेक्सागोन के एरिया निकल जाता है आराम से, याद करो ऐसा कुछ, ठीक है। बिकॉज ये जो शेड कर रहा हूं मैं, ये एक ट्रायंगल बनता है इक्विलेटरल, ऐसा 6 ट्रायंगल्स बनता है। तो 6 टाइम्स ऑफ √3/4 और साइड इस बार ए होती है, तो √3/4 ए स्क्वायर का 6 टाइम्स, √3/4 √3/4 कट हो गया, ऊपर आपको मिल रहा है ए स्क्वायर इंटू थ्री और नीचे आ रहा है 6 into a square, this give you half. So area of triangle is half of the area of hexagon. Question क्या था? The area of triangle formed by joining any three alternate vertices of the hexagon is k times of the area of hexagon, that is half times the area of hexagon. ठीक है? Let's move on. Next पे आते हैं. What is the ratio? Find the ratio of the areas of the regular hexagon inscribed in and circumscribed around the circle. Circle के अंदर एक हेक्सागोन बना हुआ है, ठीक है, और सर्कल के बाहर भी एक हेक्सागोन बना हुआ था, एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है और एक इंस्क्राइब कर रहा है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। बहुत ही डायग्राम वाहियात बनाया मैंने, पर वो हमारे काम का नहीं है। देखिए, आपको पता है कि अगर सर्कल का रेडियस की अगर बात करते हैं, अगर ये रेडियस आर होगा, ठीक है, तो ये टोटल जो लेंथ होगा ये कितना होगा, एक टू आर होगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ठीक से बना लेते हैं, होल्ड अ मिनट, वेट अ मिनट, लेट मी, ओके, समथिंग लाइक दिस। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हेक्सागोन है और सर्कल के बाहर भी हेक्सागोन है। आपको बोला है बताइए रेशियो ऑफ एरिया क्या आएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत केयरफुली देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सर्कल के रेडियस की, तो दिस इज आर, दिस इज आर, ठीक है, तो ये भी आर हो जाएगा। तो मुझे पता है अंदर वाला जो हेक्सागोन है उसका एरिया आएगा 6 टाइम्स ऑफ √3/4 इंटू आर स्क्वायर, और जो बाहर आएगा वो आएगा 6 टाइम्स ऑफ √3/4 इंटू समथिंग स्क्वायर, और वो आर की टर्म्स में निकालना है। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व इट, ध्यान से देखिए, जो सर्कल का डायमीटर होगा वो कितना होगा, वो आपका 2R होगा, अंदर वाले सर्कल का तो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2R होगा। अभी ध्यान से देखिए, अगर सर्कल का डायमीटर 2R है तो इसका मतलब है ये वाला जो लेंथ है ये भी 2R ही हुआ, दिस इज ऑल्सो 2R, इफ दिस इज 2R इट हैज टू बी 2R, ये भी 2R ही हुआ ना, बिकॉज ये पैरेलल बनेगा, इसका एग्जैक्ट रेक्टेंगल होगा ना, 90 डिग्री बनाता होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सर्कल के दो पॉइंट है एंड डायमेट्रिकली अपोजिट, अगर वो 2R होगी तो सर्कल के डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स होंगे, ये भी 2R ही होगा ना, तो ये जो लेंथ बन रहा है आपका लेफ्ट साइड में ये भी 2R होगा। और आपको तो पता है कि अगर ये R या लेट्स से अगर ये X होता है और ये X होता है, दिस कंप्लीट लेंथ इज X √3 बाय यूजिंग 30 30 120 ट्रायंगल। पर हमको तो पता है कि X √3 की वैल्यू 2R के बराबर है, तो X की वैल्यू क्या होगी, वो आएगी 2R/√3। तो बस एरिया निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया निकालना है 6 है 6 का, √3/√3/4 कट, तो एरिया आएगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स कौन है, 2R/√3 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है आर स्क्वायर अपॉन 4R² और 3 ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कट हो गया, तो आंसर इज वॉट, 3:4। अंदर वाले हेक्सागोन का और बाहर वाले हेक्सागोन का जो रेशियो ऑफ एरिया आएगा वो 3:4 आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। इन द फिगर गिवन बिलो नॉट ड्रॉन टू स्केल, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, द कॉर्ड BA इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट T सच दैट CT बिकम्स अ टेंजेंट टू द सर्कल एट C, इफ एंगल ATC इज 30 डिग्री, ACT is 50 डिग्री,
फाइंड एंगल BOA. तो एंगल BOA क्या होगा? अ वेरी इजी वन. देखिए BOA फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है. अगर हम कैसे भी करके ये एंगल फाइंड कर ले एंगल C, तो भी हमारा काम हो जाएगा. दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट. आओ देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको एसीटी, ट्रायंगल एसीटी में जो एंगल ए बन रहा है, ये आपका बन रहा है एक्सटीरियर एंगल. तो ये एंगल जो होगा ये अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा. दैट्स व्हाई कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा. फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक टेंजेंट है और अगर एक कॉर्ड है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो कॉर्ड होती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये कॉर्ड अब किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी वो ए 50 के बराबर ही होगा. ये एंगल भी कितना आ गया, 50 आ गया. विच प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक सर्कल है जहां पर टेंजेंट है और एक कॉर्ड है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल जो होगा वही कॉर्ड आगे किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी इसके बराबर होगा. तो टेंजेंट यानी कि CT और CA के बीच में जो एंगल है 50 डिग्री, तो ये एंगल इसके बराबर ही होगा. इसका एंगल CBA के बराबर. तो एंगल 50 आ गया, 80 आ गया, 50 और 80, तो एंगल C कितना बचा, एंगल C भी 50 होगा. इफ एंगल C इज 50 तो एंगल O कितना हो जाएगा, डबल ऑफ इट, 100 डिग्री. ठीक है. अच्छा, कुछ कंफ्यूजन अगर हुआ हो कि एंगल 50 अंदर वाला थोड़ी होगा, ये ऑफ कोर्स पूरा ही होगा ना, डायग्राम में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बट ये पूरा ही होगा ना. एंगल तो लाइंस के बीच में होता है, कर्व के बीच थोड़ी होता है. तो एंगल तो सी और सीटी के बीच में. ठीक है, एनीवे लेट्स एंड हियर, यहां पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ज्योमेट्री या किसी और टॉपिक पे. राइट, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.